हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी हेयर केयर रूटीन शेयर करने के लिए, बट मेरा हो ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली सोचा मैं अपना हेयर केयर कर ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसी वजह से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद आपके लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद मैं लेती हूँ आलमंड ऑयल, तो यहाँ पर मैंने आलमंड ऑयल लिया है उसमें। और उसके बाद मैं इसेंशियल ऑयल ऐड करूँगी, वो है लैवेंडर इसेंशियल ऑयल। ये है गुड वाइब्स का लैवेंडर इसेंशियल ऑयल। मैंने इसेंशियल ऑयल के बारे में भी पूछा था कि कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं आज बता दूँ कि गुड वाइब्स का इसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं सारे इसेंशियल ऑयल मेरे पास गुड वाइब्स के ही है। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 ड्रॉप जो है वो इसेंशियल ऑयल के ऐड कर रही हूँ उसमें। और उसके बाद इससे ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म होती है, और आपके हेयर में हेयर ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है ये। मतलब लैवेंडर इसेंशियल ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद विटामिन ई की ये कैप्सूल मैं उसमें ऐड करूँगी। इसे कट करके उसका ऑयल निकाल लेना है, और उसके बाद उसमें उसका ऑयल ऐड कर देना है, मतलब मिक्स कर देना है। आप चाहो तो दो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं एक ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और सारे टैंगल्स को निकाल लूँगी, टैंगल्स को रिमूव कर लूँगी अपने हेयर से, और उसके बाद उसे अच्छे से मसाज करूँगी जो आपका ऑयल है बचा हुआ। एक्चुअली मैं इसमें अपना एलोवेरा जेल जो होता है वो भी ऐड करती हूँ, बट अभी लॉकडाउन की वजह से मेरा जो एलोवेरा जेल है वो ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद मैं ला नहीं पाई, इसी वजह से मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। और फ्रेश एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो आप, बट मैं फ्रेश एलोवेरा मतलब थोड़ा सा जान पे आ रहा था आज, तो इसी वजह से नहीं ऐड किया। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद अच्छे से आपको मसाज करनी है ये वाले ऑयल से, और वो जो मसाजर था वो हैंड मसाजर था, उससे भी बहुत ही अच्छे से मसाज हो जाती है। बट एक मेरे पास इलेक्ट्रिक मसाजर भी है, तो उससे भी काफ़ी अच्छे से मसाज होती है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हेयर केयर तो हो गया था, तो मैंने सोचा चलो पैक लगा लेती हूँ। जब तक ये तो रखना ही है, ऑयल तो रखना ही है, उसके बाद नहाना है, तो तब तक मैं पैक अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं ये वाला एब्स गुडनेस का चारकोल जो फेस पैक आता है वो अप्लाई कर रही हूँ। ये रेडीमेड है, मतलब इसमें कोई भी मतलब ये पील ऑफ मास्क नहीं है, सादा फेस पैक है, बट चारकोल का है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चारकोल वाले चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के लिए चारकोल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ऑयल जो है वो ऑयल एंड डर्ट जो है वो खींच लेता है, और बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है इससे। तो मुझे चारकोल वाले चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी, तो इसी वजह से ये वाला जो फेस पैक है वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर जो मसाजर मैंने बोला था आपको, इलेक्ट्रिक मसाजर, वो लिया है इन्होंने और मुझे मसाज करके देंगे। वैसे ही करते हैं, जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो उसके बाद वो मसाज करके देते हैं, और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस वाले मसाजर से। मतलब ऐसा है कि टेंशन पूरा ख़त्म ही हो जाता है मसाजर से, इतना ज़्यादा अच्छा है ये मसाजर। और बहुत ज़्यादा वेटेड है यार, मतलब जो आगे वाला बंदा है जो करके दे रहा है उसका तो हाथ काम से जाएगा, इतना वेटेड है ये। बट बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है यार इससे। जब भी अगर मेरा सिर दर्द वगैरह होता है ना, तो इसी से मसाज करती हूँ, या कभी ऑयलिंग करती हूँ तो इसी से मसाज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मसाज होती है इससे। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है इससे ना आपके। अगर आपका जो ऑयलिंग करते हो ना, उसके बाद अगर आप मसाज करते हो ना, तो उसके बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, और उससे ना आपके जो हेयर है उसे ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑयलिंग करने के बाद। और यहाँ पर मेरा तो मसाज हो गया था, उसके बाद श्रीकांत आ गया था, तो श्रीकांत को भी ये मसाज करके दे रहे हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर उसके भी मसाज हो रही है। लेकिन उसे ना बिल्कुल सूट नहीं होता है कुछ भी ज़्यादा ज़्यादा हीवी वगैरह चीज़ें, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वो करता है, करने के लिए मना करता है। फिर भी ये उसे ना ज़बरदस्ती करके देते हैं, तो ये यहाँ पर ज़बरदस्ती का ही काम हो रहा था उसके साथ। सो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली हेयर वॉश किया था, थोड़ा सा लेट हो गया आज ना, मैंने वर्कआउट बहुत कम किया है, तो इसी वजह से मुझे हेयर वॉश करना था और फिर व्लॉग भी स्टार्ट करना था। और हाँ, मैंने हेयर वॉश किया है लॉरियल के एक्सटेंसो शैम्पू से, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने स्मूथनिंग की थी। जो मुझसे न्यू ज्वाइन हुए हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैंने बालों पे ट्रीटमेंट की है स्मूथनिंग की।
तो वो की है। और जब मैंने ये वाला हेयर कलर किया था ना, मैंने हेयर कलर किया है मतलब जहां तक मैंने हेयर कलर किया है आधे तक, तो उतने मैंने केराटिन ट्रीटमेंट की थी। तो इस वजह से मुझे ना शैम्पू जो यूज करना होता है वही यूज करना होता है। तो इसीलिए उन्होंने केराटिन का अलग शैम्पू बोला था, बट हाफ में केराटिन है मेरे, हाफ में स्मूदनिंग है। तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि स्मूदनिंग का शैम्पू यूज कर सकते हो आप। मतलब उन्हें भी था कि इतने से बालों में केराटिन की है तो पूरा शैम्पू केराटिन का यूज नहीं कर सकते। तो मेरे पास ये वाला था तो मैं यही यूज करती हूँ। तो ये है स्मूदनिंग के लिए शैम्पू। आप लोगों में से किसी ने स्मूदनिंग की है तो उन्हें पता होगा, अगर नहीं की है करवानी है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये शैम्पू यूज करना पड़ता है। तो ये होता है लॉरियल का एक्सटेंशन शैम्पू, और इसी की पूरी किट आती है। मतलब किट मीन्स हमें अलग अलग लेना पड़ता है, बट यही किट ही समझ लो ये। तो ये एक्सटेंशन का कंडीशनर है, ये एक्सटेंशन का शैम्पू है, और ये वाला एक्सटेंशन का ही क्या बोलते हैं सीरम है। तो ये पूरा किट ही आता है। तो ये आपको मिल जाता है अराउंड 1800 वगैरह का। तो मतलब मैंने वहां से लिया था, पार्लर से लिया था, तो मुझे 1800 का पड़ा था ये। अगर ऑनलाइन वगैरह आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, अगर आपको स्मूदनिंग वगैरह करवाना है तो। बस यही होता है मेरा हेयर केयर रूटीन स्मूदनिंग के बाद का। पहले मैंने स्मूदनिंग नहीं करवाया था तो मैं ट्रेसमे का या डव का शैम्पू यूज करती थी, और वही ट्रेसमे का ही कंडीशनर भी यूज करती थी। और अगर डव का शैम्पू यूज कर रही हूँ तो डव का ही कंडीशनर यूज करती थी। तो इस टाइप से मेरा हेयर केयर रूटीन होता था। बट ऑयलिंग जो है मैं ऐसे ही करती हूँ, बालों की मसाज करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, बस इसी तरह से मेरा हेयर केयर रूटीन आता है। बस इसी हेयर केयर रूटीन से मेरे बाल अभी आपको लंबे दिख रहे हैं, नहीं तो मेरे बाल बहुत छोटे हुआ करते थे पहले, बहुत छोटे थे। जब से मैं ये वाला हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ तब से मेरे काफी लंबे भी हो चुके हैं बाल, और टेक्सचर भी उसका चेंज हो चुका है। मतलब काफी अच्छे हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं, और डैंड्रफ भी काफी कम रहता है बालों में। तो इसी वजह से मैं ये वाला हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। तो चलिए फिर डिनर बनाते हैं, और डिनर में आज कुछ अलग बनने वाला है। मतलब वही वही खाके बोर हो चुके हैं, मतलब रोटी सब्जी खाके बोर हो चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आज अलग बनने वाला है। तो चलिए मैं आपको किचन में बताती हूँ क्या बनने वाला है। आई होप मेरा हेयर केयर रूटीन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और चलिए फिर किचन में चलते हैं, डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। आज बनने वाला है महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता। मतलब नाश्ता जो है वो हम लोग डिनर में बनाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है, इनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना वो होता है कि ऐसा कुछ अलग सा बन नहीं पाता है मेरे घर पे। तो इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि चलो डिनर में कुछ अलग सा खाए। मतलब ये लॉकडाउन के लिए इनका कॉल आ रहा है। हेलो मम्मा, तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि थोड़ा सा ये लॉकडाउन में अलग अलग खाने का मन कर रहा है, कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है, इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि डिनर में ये वाला बनाए अब। और सुबह ही मैंने ये जो मटकी है इसे लगती है इसके लिए, तो वो मैं एक्चुअली मैंने रात को ही भिगोने के लिए डाल दी थी, और इसे सुबह ही मैंने वॉश करके ऐसे रख दिया था। एक्चुअली वॉश करके ऐसे इसमें रखते है ना तो बहुत जल्दी इसे ये आने लगता है, ऐसे क्या बोलते हैं इसे, कोम बोलते हैं हमारे मराठी में, तो मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इस तरह से तो अभी गर्मी का सीजन है तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठंडियों में थोड़ा सा लेट आते हैं, बट तो अभी बनने वाली है मिसल पाव। तो चलिए फिर बनाते हैं मिसल पाव, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, किसी ने ये पूछा था मुझसे कि ये क्या है, तो ये है फायर स्टॉक, मतलब आग वगैरह लगती है ना उसके लिए जो स्प्रे मारा जाता है, तो वो है ये। तो इसी वजह से ये यहाँ पर ही रख दिया है, वहां पर था एक्चुअली, तो ये वहां से निकाल के
यहाँ पर रख दिया इन्होंने, तो ये आगे ही दिखता है हमेशा आपको, तो यहाँ से निकलना है, वहां पर ये उसकी जगह है तो वहां पर ही रखना है, क्योंकि वहां पर वो विंडो नहीं लग रही थी इसी वजह से वो उन्होंने निकाल दिया था और यहाँ पर लगा दिया था। तो ये आपको हर वीडियो में दिखता है। तो आप में से किसी ने पूछा था मुझे कि ये वाली बॉटल, रेड वाली बॉटल किस चीज की है, तो ये उसी चीज की है, मतलब आग के लिए जो स्प्रे मारा जाता है ना आग बुझाने के लिए, वो है वो। अगर आपके घर में नहीं है तो ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो या मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, हर किसी की किचन में ये होना ही चाहिए। चलिए फिर बहुत ज्यादा बातें हो गई, अभी डिनर बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। डिनर बनाने के लिए गई और देखा तो बहुत सारे बर्तन सिंक में पड़े थे, लंच के और शाम की चाय के बहुत सारे बर्तन थे, तो अभी वही क्लीन किए हैं। तब तक इन्होंने क्या किया कि मुझे ये सारी चीजें काट के दे दी, मतलब प्याज जो भी चीजें इसके लिए भी चाहिए होगी अभी मिसल पाव बनाने के लिए, तो वही मुझे काट के दे दी। यहाँ पर अलग अलग टाइप का, दो टाइप का प्याज काट के दे दिया है, टोमेटो काट के दे दिए, ये सारी चीजें, और ये नारियल का ये चाहिए होगा इसके लिए क्रश, तो वो भी करके दे दिया है, मतलब ये ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं मेरी। और हाँ, मेरी फ्रेंड का आज कॉल भी आया था तो उसके हस्बैंड भी उसे हेल्प कर रहे हैं बता रही थी। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन की वजह से हस्बैंड वाइफ की हेल्प करना तो सीख ही गए हैं, मतलब इतना तो सीखा ही दिया है लॉकडाउन ने। तो चलिए अभी मैं वही बनाती हूँ मिसल पाव, और अभी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर आपको एक कुकर लेना है, उसमें आपको मटके ऐड करनी है जितनी आपको चाहिए उतनी, और उसमें आपको पानी ऐड कर देना है। तो पानी आप डालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब हल्का सा पकाना है, तो थोड़ी सी सीटी लगा लेंगे हम, एक सीटी तक लगा लेनी है हमें उसे, और ज़्यादा पकाना नहीं है आपको इसे, बहुत ज़्यादा गलने होने देना है। और उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच, और उसके बाद उसे एक विजल आने तक, मतलब गैस पर रख देंगे। एक विसल आने के बाद हमें उसे बंद कर देना है, और यहाँ पर हम लोग मसाले की तैयारी करेंगे। मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है, उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल ऐड किया है, और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए, और अच्छा सा भून जाए ये मसाला। और उसके बाद हमें जो मसाला हमने निकाल के रखा है, मतलब पीस के रखा है, वो मसाला हमें उसमें ऐड करना है और अच्छे से चला लेना है। मसाला तब तक भूनना है जब तक उसका
जो तेल है वो छोड़ने ना लगे, मतलब मसाला डिपेंड करता है भुनने पर ही, तेल जब छोड़ने लगेगा मसाला तभी आपको इसे मतलब उसमें ऐड करने हैं स्पाइसेस, तो आपको अच्छे से मसाला वो जो है वो भून लेना है ताकि आपका जो मसाला है वो एकदम से तेल छोड़ने लगे। मैं आपको दिखा दूँगी, उसके बाद उसे उसमें आपको मसाला ऐड करने हैं। यहाँ पर मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा था, उसके बाद हमने उसमें मसाले ऐड किए, मतलब जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और उसमें गुड़ा मसाला बोलते हैं यहाँ पे, मतलब काला मसाला, और उसके बाद उसमें ऐड किया है और धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है अच्छा टेस्ट आने के लिए। उसके बाद हमें उसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, अच्छे से चला लेना है इसको भी, ताकि ये भी पकने के बाद अच्छे से तेल छोड़ने लगे आपका मसाला। यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद भी हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, तो मसाला यहाँ पर हमारा रेडी था। तो हमने जो मटकी बॉयल की थी वो हमें उसमें ऐड करनी है। अब हमने ज़्यादा बॉयल नहीं की थी मटकी, आप देख सकते हो किस तरह से बॉयल हुई है वो एक सीटी आने के बाद, बस इसी तरह से आपको बॉयल करनी है और उसमें ऐड कर देनी है मटकी। और उसके बाद इसे थोड़ा सा, अगर आप पानी चाहते हो तो पानी आपको ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इसे थोड़ी देर और पकने देना होगा। जब तक ये अच्छे से पकेगा नहीं तब तक इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आएगा नहीं। थोड़ी देर मीन्स 10 मिनट तक आपको इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, और जब तक आप पकने दोगे ना, मतलब जितना ज़्यादा आप पकने दोगे उसे तो उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है उसमें और अच्छे से पकने दिया था 10 मिनट तक। पकने पर ही इसका टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जितनी देर आप पकने दोगे इसे उतना ही टेस्ट इसका बढ़ेगा। मतलब आपको 10 मिनट तक तो अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, और बस हो गया आपका जो मिसड़ है वो रेडी। क्या? ताड़। अच्छा, करो ना। अद्वी कहाँ जा रहे हो? तुमको पता नहीं क्या, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ थोड़ा। क्रिकेट खेलने जा रहे हो? तुमको पता नहीं क्या, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अभी इन लोगों की क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, कोरोना बंद हो गया। अरे मुझे बैटिंग करनी नहीं, पापा ने बोला। पापा ने क्या बोला? अजी आप ऐसे हो ना, ऐसे ऐसे क्यों सर? आ जाएगा मेरे पैर पे।
मेरा मुंडा बिगड़ ही गया अद्विक, अद्विक मेरा मुंडा बिगड़ गया अद्विक, अभी अभी जोर से साठ बार मम्मा के ऊपर, ओ मम्मा के ऊपर मारो, मम्मा के तरफ कैमरा भी खींच रहा है, मम्मा बहुत मारेंगे। गाइस नाम लेने का और ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, तो फर्स्ट नाम है सोनाली घोष और सेकंड नाम है मलाइका डॉल्फिन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और हाँ, जिन जिनका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो इस ब्लॉग पे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की कोशिश करूंगी। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने इस ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।